यहाँ पर नेक्स्ट पोयम है द यूनिकॉर्न, और द यूनिकॉर्न को लिखा है सुनीति नाम जोशी ने। सुनीति नाम जोशी इज वाइडली रिगार्डेड एज अ मेजर फिगर इन इंग्लिश। सुनीति नाम जोशी जिन्होंने द यूनिकॉर्न को लिखा है, इनको इंग्लिश में एक मेजर रूप से जाना जाता है। शी इज एन इंडियन राइटर, ये सुनीति नाम जोशी एक इंडियन राइटर है एंड एज अ फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट, और साथ में फेमिनिस्ट लेकिन लेस्बियन पोएट हैं। शी हैज रिटन मेनी कलेक्शंस ऑफ पोएट्री, इन्होंने कई सारी पोएट्री की कलेक्शंस लिखी, सेवरल नॉवेल्स, कई सारे नॉवेल्स लिखी एंड चिल्ड्रंस बुक, और चिल्ड्रंस बच्चों पर बच्चों की किताबें लिखी। हर वर्क हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेज इंक्लूडिंग स्पेनिश, इटालियन, डच, चाइनीज, कोरियन एंड हिंदी। इनका वर्क जो है वो कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, जैसे स्पेनिश में, इटालियन में, डच में, चाइनीज, कोरियन या हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। इन द पोएम द यूनिकॉर्न, नाम जोशी ट्राइज टू कनेक्ट द रियल विद माइथोलॉजिकल अनरियल एंड आल्सो शो द कंट्रास्ट बिटवीन द लव एंड आइडिया ऑफ लव। यूनिकॉर्न नाम जोशी एक माइथोलॉजिकल करेक्टर है, माइथोलॉजिकल अनरियल एक क्रिएचर्स है, जहां पर जिसके थ्रू इन्होंने एक कंट्रास्ट दिखाया, लव और आइडिया ऑफ लव के बीच में कंट्रास्ट दिखाया है। द पोएटेस यूजेज यूनिकॉर्न टू सिंबलाइज द माइथिक एग्जिस्टेंस, पोएट ने यूनिकॉर्न का यूज किया है मिथिक एग्जिस्टेंस को सिंबलाइज करने के लिए, ऐसी चीज के एग्जिस्टेंस, ऐसी भी चीजें एग्जिस्टेंस में हैं जो कि रियल नहीं है। द प्रेजेंट वर्ल्ड कैन नॉट गिव हर द सपोर्ट, प्रेजेंट वर्ल्ड उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है, सो शी ब्रिंग्स द यूनिकॉर्न, इसलिए वो ब्रिंग्स यूनिकॉर्न लाती हैं, डेट एग्जिस्टेड और परहैप्स नॉट, जो कि शायद एग्जिस्ट करे या हो सकता है ना भी करे, बट इन एन एंशियंट सोसाइटी, लेकिन एंशियंट सोसाइटी में वेयर इट्स मिथ्स कुड बी फाउंड, एंशियंट सोसाइटी में मिथ्स पाए जाते थे, आज की सोसाइटी में हो सकता है मिथ्स को लोग फॉलो ना करें, लेकिन एंशियंट सोसाइटी में मिथ्स को लोग फॉलो करते थे। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेस टॉक्स अबाउट द वाइल्ड यूनिकॉर्न, इस पोएम में पोएटेस जो है वो वाइल्ड यूनिकॉर्न के बारे में बात करती हैं। द वाइल्ड यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल हॉर्स लाइक एनिमल, वाइल्ड यूनिकॉर्न जो होता है एक मिथिकल लेकिन हॉर्स की तरह एक एनिमल है, विद अ सिंगल हॉर्न, जिनके पास केवल एक ही सिंग होती है, ग्रोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स फोरहेड, और इसमें ये फोरहेड मीन्स होता है माथा होता है। द पोएटेस राइड्स ऑन डेट यूनिकॉर्न, अ पोएटेस इस यूनिकॉर्न पर सवारी करती है, एंड इट वॉज एक्चुअली माइल्ड इट्स स्प्रिट, और एक्चुअली में होता क्या है, इसकी स्प्रिट को ये माइल्ड करती है। शी इज एबल टू क्रॉस द लीव्स एंड सिल्वर थॉर्न एंड फाउल वेदर, एक्चुअली में यहाँ पर सुनती नाम जोशी जो है ये कहती हैं कि वो लीव्स और सिल्वर थॉर्न और फाउल वेदर को क्रॉस करने में एबल हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है एज इफ द पोएटेस हैड ब्रॉट नेचर अंडर हर कंट्रोल, ऐसा लगता है जैसे पोएटेस के कंट्रोल में ये सारा का सारा नेचर आ चुका हो। अगेन द पोएटेस एड्रेस हर बिलव्ड, फिर दोबारा पोएटेस जो है अपने बिलव्ड को, अपने लवर को जो है एड्रेस करती है एंड सेज, और कहती हैं डेट लव विल यू राइड विद मी, कि लव अपने प्रेमी से कहती हैं, लव क्या तुम मेरे साथ सवारी करोगे, मेरे साथ यूनिकॉर्न पर सवारी करोगे। बट हर लवर लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन उसका लवर जो है वो नहीं करता और उसको पीछे छोड़ देता है। एंड हेयर हर हार्ट इज ब्रोकन, और यहाँ पर पोएट का दिल टूट जाता है। देर आर रिक्रिएटिंग द इमेज ऑफ पास्ट एंड पास्ट लव बाय स्पीकर, स्पीकर के द्वारा यहाँ पर पास्ट के इमेज को और पास्ट के लव को रिक्रिएट किया जाता है। एंड सी लूजेज हर लव which helps her to continue life, और ये अपने प्रेमी को खो देती है, पीछे छोड़ देती है, जो कि उसके लाइफ में हमेशा उसकी सहायता करता था। See, this is a virtue and philosophical
फिलोसॉफिकल डेथ ऑफ लव, इस प्रकार से यहाँ पर लव का जो है फिलोसॉफिकल डेथ होता है। बट देन द स्पीकर मूव्स विद द सेम स्पिरिट विद अ सेंस हर बिलव्ड बिहाइंड हर, और जैसे ये मूव करती है तब ये पाती है कि उसका जो प्रेमी है, उसका जो बिलव्ड है, वो उसके पीछे है। एंड फॉर अवे बिहाइंड हर, और वो जो है बहुत पीछे छूट गया है, पीछे ही रह गया है। दिस डिस्क्राइब्स द मैन वुमेन रिलेशनशिप, और ये मैन वुमेन के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। वेयर द लेडी वांटेड टू राइड विद हर लवर, जहां पर लेडी जो है वो अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ में यूनिकॉर्न पर सवारी करना चाहती है, और मैन ऑन अथवा उस आदमी के साथ जिससे वो प्यार करती है सवारी करना चाहती है ऑन यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न पर, यूनिकॉर्न एनिमल पर। बट द मैन और बिलव्ड रिफ्यूजेस, लेकिन उसका प्रेमी उसको मना कर देता है। बट सी कॉन्टिन्यू हर राइड, लेकिन वो अपने राइड को कॉन्टिन्यू रखती है। यू कैन कनेक्ट दिस पोएम विद रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेज, और आप सुनती नाम जोशी की इस पोएम द यूनिकॉर्न को ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माई लास्ट डचेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सेम उससे मिलती जुलती है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द ड्यूक ऑफ फेरारा फील्स इंसल्टेड व्हेन हिज वाइफ राइड्स ऑन अ वाइट म्यूल। इन दिस पोएम, इस पोएम में इस तरह की बातें होती हैं, जैसे ड्यूक ऑफ फेरारा जो है इंसल्ट फील करती है, इंसल्ट फील करता है जब उसकी वाइफ जो वाइट म्यूल पर राइड करता है करती है। He finds it ridiculous for a queen to behave in such a manner. इस तरह से वो जो है रानी के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा ridiculous फील करता है। The Duke of Ferrara looks at his queen from the patriarchal views, और Duke of Ferrara जो अपने queen को एक patriarchal views की तरीके से देखता है। Likewise, when the speaker in this poem is riding the unicorn, her love just stays behind. इसी तरह यहाँ भी इस पोयम में, यानी कि द यूनिकॉर्न में, जब स्पीकर जो है यूनिकॉर्न पर सवारी कर रहा होता है, तब उसका उसका जो प्रेमी है उसके पीछे, अब वो अपने प्रेमी को पीछे ही छोड़ देता है। सिंपली फॉर द फैक्ट ऑफ बीइंग अशेम्ड और परहैप्स अनेबल टू हैव करेज टू गो अलोनी विद द स्पीकर। इन दिस पोयम द यूनिकॉर्न बी कैन फाइंड द नाम जोशी बीइंग अ लेस्बियन राइटर। इस पोएम में यूनिकॉर्न जो पोएम का नाम है, इसमें सुनती नाम जोशी एक लेस्बियन राइटर है, और जो कि कैन थिंक ऑफ अ स्पीकर हु इज लेस्बियन एंड इज इन लव विद अ गर्ल, और लेस्बियन वो होता है जो कि मतलब गर्ल हो, गर्ल गर्ल से मतलब प्रेम करता हो, और इसको भी जो है गर्ल से प्रेम है सुनती नाम जोशी को भी। एज हर रिलेशन इज बींग अ वुमेन विद अ वुमेन, जैसा कि इसका रिलेशन, ये खुद एक वुमेन है और इसका रिलेशन भी एक वुमेन से ही है, डेट्स वाई इसलिए वी विल नॉट बी एबल टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप अप और ऑन टू मूव, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसके बारे में स्टेप नहीं ले सकते हैं फॉरवर्ड। ड्यू टू विच हर लव इज लाइकली टू स्टे बिहाइंड, जैसा कि इसका लव जो है पीछे छूट जाता है, चूंकि गर्ल है और गर्ल से प्यार करती है, तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सो वुमेन वुमेन रिलेशनशिप इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कन्वेंशनल सोसाइटी, और हमारी इस कन्वेंशनल सोसाइटी में वुमेन वुमेन रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं है। दस राइडिंग अ यूनिकॉर्न इज अ मिथिक माइथिक एक्ट, इसलिए इस तरह से जो है यूनिकॉर्न पर सवारी करना एक बिल्कुल माइथिक के ही समान है। और यहाँ पर एक और दिया गया, स्पीकर कैरीज ऑन हर राइड अलोन, और इसलिए स्पीकर जो है वो अकेले ही सवारी करती है अपने यूनिकॉर्न मिथिकल एनिमल्स पर, और अकेले ही लंबी यात्रा पर जाती है। एंड फॉर सेक्स वन नीड्स समवन टू लव, और सेक्स की बात किया जाए तो सेक्स के लिए एक इंसान को किसी से प्यार करने की जरूरत होती है, क्योंकि विदाउट लव सेक्स का कोई मतलब नहीं होता है। हियर द विंड, हियर द वाइल्ड यूनिकॉर्न इंडिकेट्स द एलिमेंट्स ऑफ पैशनेट लव एंड डिजायर्स इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर वाइल्ड यूनिकॉर्न ये पैशनेट लव और डिजायर्स के एलिमेंट्स को ह्यूमन्स के रिगार्ड में एक्सप्रेस करता है, बताता है। द फ्रेज
ग्रीन लाइट ऑफ ट्रीज एंड डार्क लाइट ऑफ नाइट कन्वे द टाइम फॉर लव मेकिंग व्हाइल द पास्ट लीव्स सिंबलाइजेज इमेज ऑफ फीमेल जेनिटल। यहाँ पर जो पास्ट लीव्स हैं वो इमेज ऑफ फीमेल जेनिटल को सिंबलाइज करती हैं। बिसाइड्स यूनिकॉर्न एज बिलोंगिंग टू द हॉर्स, जैसा कि यूनिकॉर्न जो है एक हॉर्स लाइक मिथिकल एनिमल है, तो ये फैमिली अराउंड इनहांस द सेक्सुअल, मतलब ये जो यूनिकॉर्न एज बिलोंगिंग टू द हॉर्स फैमिली ऑलरेडी इनहांस द सेक्सुअल, मतलब ये जो है एक तरह से ऑलरेडी जो है सेक्सुअल डिजायर में इनहांस करती हैं। द यूनिकॉर्न देन बिकम्स अ सिंबल ऑफ सेक्स टॉय, और यूनिकॉर्न एक प्रकार से जो है ये सेक्स टॉय का सिंबल के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर। However, the irony is that since the love stage behind it means the speaker has to carry along to task only, which is a clear indication of self-stimulation. Conclusion: the poem is all about a one's life in one's own self-realization. ये poem है कुल मिलाकर एक इंसान के मतलब life के बारे में जहाँ पर self-realization होता है। और वन शुड बी एबल टू ट्रस्ट वन सेल्फ, इस पोएम के थ्रू ये मैसेज दिया गया कि एक व्यक्ति को अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए एंड नॉट टू मूव्ड बाई व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू, और इस बेस पर नहीं चलना चाहिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। द स्पीकर शोज द डिसीजन मेकिंग पावर सी कॉन्टिन्यूस द जर्नी, स्पीकर जो है एक डिसीजन मेकिंग पावर को शो करता है और साथ में एक अपनी जर्नी को कॉन्टिन्यू करती है रखती है। The poem is a bliss when the speaker is able to realize the victory over that sense of lose, sense of loss by past love and poor weather.